टोरेंट के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिया मेमोरेंडम। प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। टोरेंट के खिलाफ लगातार शहर में लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बिजली घंटों गायब रहती है और लाखों का बिल टोरेंट द्वारा भेजा जा रहा है, जिससे लोग काफ़ी गुस्से में हैं। ऐसे में बीजेपी नेता कार्यकर्ता भी टोरेंट के खिलाफ लेटरबाजी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही टोरेंट के खिलाफ बीजेपी नेता रिदा रशीद सिकंदर खान ने आंदोलन किया था और अब बिल यूनिट की शिकायत को लेकर टोरेंट ऑफिस जाकर मैनेजर को निवेदन दिया है। सिकंदर खान ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है, सुनिए। सिकंदर भाई, आज आप लोग यहाँ टोरेंट ऑफिस पे आए थे, तो क्या निवेदन दिए आपने, क्या मांगने की? हम लोगों ने हमारे थाना जिला अध्यक्ष निरंजन डावकरे साहब और रिदा दीदी के साथ में डिस्कशन होने के बाद में हमने यहाँ के हालात का तस्करा किया उनसे, और बात होने के बाद उन्होंने ऐसा हमें गाइडलाइंस दिया है कि इस तरीके की कम से कम मांगनी करो, कि जो यहाँ पे रेट का जो स्लैब वाइज जो रेट बढ़ता है 100 यूनिट के बाद 200 यूनिट तक कुछ 6 रुपया कुछ पैसा ऐसा 11-11.5 रुपये तक चला जाता है, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लोगों को भारी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिल बड़ा बन जा रहा है। तो उसके ऊपर से ऐसा हमारा निरंजन साहब ने बोला है कि ये उनके मार्गदर्शन में हमने ये चीज़ें रखा है यहाँ पे, क्या मांगनी की है कि वो फ्लैट रेट जो स्टार्टिंग बेसिक रेट है 3.05 रुपया वो रेट से कैलकुलेट किया जाए। आप किसको मानते हैं कि टोरेंट आखिर आने के जिम्मेदार कौन है, जो आज पूरे मुंबई शहर की जनता लाइट जाने से परेशान है, बिजली के बिल को लेके परेशान है, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी है, आप लोग भी है? हमारी पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन लोकल आमदार सबसे बड़ा जिम्मेदार है। कोई भी चीज़ को लाने में उनका विरोध जिस तरीके से होना चाहिए, आज उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ इस चीज़ पे, और उनके बिना सहमति के कोई भी उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा काम नहीं हो सकता। उन्होंने कोई खुद के विरोध पे, मैं बोलता हूँ जनता में, उन्होंने वो खुद सामने आके कोई ऐसा लेटर बताया जिन्होंने उसका खुल के विरोध किया हो, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। और आज तक जो लोग परेशानी में हैं, 4 महीने का लॉकडाउन हो गया, आज बिल को लेकर पूरा शहर परेशान है, लेकिन आमदार का मौन व्रत टूट ही नहीं रहा इस चीज़ पर, या कोई एक्शन लेवे या कोई चीज़ रखे। जनता ने वोट दिया है, कोई उम्मीद पर दिया है, और उनको मालूम है यहाँ पर जनता की हालत क्या है, लोग पीड़ित है। आज 4 महीने से लोगों को खाने की तकलीफ है, लेकिन बिल का जो बोझ है लोगों के ऊपर, लोग परेशान है उस चीज़ से, लेकिन उनका मौन व्रत नहीं टूट रहा इस चीज़ के ऊपर कि वो लोग कोई आंदोलन करे या कोई चीज़ करे कि इसको रुका जाए। उनका ऐसा कहना था कि हमारी सरकार आती है तो इस चीज़ को हम कैंसिल करा देंगे, तो आज उनके पास पावर है, हम बोलते हैं ना कैंसिल कराएं, हम तो खुश होंगे, हम तो उनका सत्कार करेंगे अगर कोई चीज़ कैंसिल होती है। वो उनका ऐसा बोलना है कि हमारी सरकार ने लाया है, लेकिन सरकार किसी की नहीं होती है, सरकार ने अगर लाया है इनको लगता है कि पब्लिक के लिए नुकसान है, कैंसिल कराइए, इनके पास पावर है, सरकार में खुद आमदार है, मंत्री, कैंसिल करा दें, हम उनका सत्कार करेंगे। पब्लिक का ये भी कहना है कि आप लोग सिर्फ लेटरबाजी करके जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति चमका रहे हो। नहीं नहीं, अगर पब्लिक को लगता है पब्लिक खुश है तो पब्लिक भरे बिल, हम काहे की राजनीति चमकाएंगे, हम तो चाहते हैं लोगों का भला होए, बिल कम होए, इसमें हमारी राजनीति की, हम तो मांग कर रहे हैं। इसके लिए कलेक्टर को लेटर दिया है, यहाँ लेटर दिया है, हमारे MLC साहब को लेटर दिया, उनसे भी निवेदन रिक्वेस्ट किया है कि आगे आवाज़ उठाया जाए इस चीज़ के ऊपर। राजनीति इसमें कहाँ से, लोगों के हित की बात है, अगर राजनीति होती है तो ठीक है, कोई समझे उसको, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है।